हाय एवरीवन, तो लास्ट वन मंथ में जिन कंपनीज के क्वार्टर टू के रिजल्ट आए हैं उनमें से हमने टोटल 20 कंपनीज को फिल्टर किया है जिनके रिजल्ट एक्सीलेंट आए हैं। इनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में अमेजिंग ग्रोथ देखने को मिली है। तो देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट को ट्रैक एंड एनालाइज करने से हमें कंपनी के बिजनेस के बारे में काफी इनसाइट्स मिलती हैं। ऑल्सो इन कंपनीज के सेक्टर्स के बारे में भी हमें आइडिया लगता है कि वहां पे किस तरह की टेलविंड्स हैं एंड किस तरह की डिमांड है। तो इन कंपनीज के रिजल्ट को हम क्विकली चेक करेंगे। ऑल्सो मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है फ्यूचर को लेके उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी मार्केट में जो फॉल हो रहा है एंड एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, तो अच्छी कंपनीज को स्टडी करने का ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइम जिन कंपनीज के रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, ओके आ रहे हैं, उन कंपनीज के स्टॉक भी क्रैश हो रहे हैं, वहां पे गिरावट आ रही है। एंड जिन कंपनीज के रिजल्ट एक्सीलेंट आ रहे हैं उनका स्टॉक इंक्रीज नहीं हो रहा है, या तो स्टॉक फ्लैट है या फिर उनमें भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो मार्केट के इस खराब सेंटिमेंट में हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है इन कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ बाय और सेल एडवाइस, दिस इज प्योरली एन एजुकेशनल वीडियो। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर क्वालिटी कॉन्टेंट, और दोस्तों हमें एनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे ज्यादा जो इम्प्रेसिव रिजल्ट आए हैं वो आए हैं शक्ति पंप्स के। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 153 करोड़ का रेवेन्यू था जो इंक्रीज होकर 635 करोड़ हुआ है, यानी इनका रेवेन्यू 4 गुना इंक्रीज हुआ है। एंड 10% के मार्जिन्स इंक्रीज होके 23% हुए हैं। एंड प्रॉफिट 6 करोड़ से इंक्रीज होके 101 करोड़ हुआ है, यानी 16 टाइम्स इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि कंपनी के रिजल्ट एक्सीलेंट आने के बावजूद भी मार्केट के इस फॉल में इन स्टॉक्स में भी आप देखोगे तो एक तरह का कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी सोलर एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटिंग समर्सिबल पंप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया में, एंड ये एक लीडिंग इंटीग्रेटेड प्लेयर है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको नोट करना चाहिए, ये कंपनी बिगेस्ट बेनिफिशियरी है पीएम कुसुम स्कीम की, जिसमें इनका 25% का मार्केट शेयर है स्कीम के अंदर। एज ऑन सितंबर कंपनी की ऑर्डर बुक 1800 करोड़ की है, तो अभी भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है, और स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो भी आपको रीजनेबल देखने को मिलेगा, 27 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट के इस फॉल में इस स्टॉक को जरूर आप स्टडी कर सकते हो। तो इस वीडियो में टोटल हम 20 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, तो हर कंपनी का हम डिटेल में एनालिसिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा। तो जितनी भी कंपनीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो उनमें से अगर किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो उसको आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी फुली फर्निश्ड एंड सेमी फर्निश्ड फोर्ज्ड क्रैंकशाफ्ट्स एंड फोर्ज्ड कंपोनेंट्स बनाती है। तो इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, जो रेवेन्यू 139 करोड़ था लास्ट ईयर वो इंक्रीज होके 223 करोड़ हुआ है, एंड जो प्रॉफिट है 23 करोड़ से इंक्रीज होके 48 करोड़ हुआ है। सो लास्ट 3 इयर्स में इस कंपनी में भी काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड आई थिंक 2 महीने पहले हमने इस कंपनी के बारे में डिटेल में एक वीडियो भी पोस्ट किया था इस चैनल पे। एंड इस कंपनी में जो फेमस इन्वेस्टर हैं मिस्टर आशीष कचोलिया, उनकी भी होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इसके स्टॉक प्राइस में भी आप देखोगे कि एक तरह का कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट के इस फॉल में, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसको आप फोकस में रख सकते हो मार्केट के इस फॉल में। नेक्स्ट कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। इसका प्रॉफिट 101 करोड़ से इंक्रीज होके 136 करोड़ हुआ है। ऑल्सो कंपनी के मार्जिन्स भी इंक्रीज हुए हैं। पिछले 3 सालों में इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ आपको एक्सेलेंट देखने को मिलेगी। एंड इस कंपनी में आप चेक करोगे तो प्रमोटर्स की भी होल्डिंग इंक्रीज हुई है, FIs की भी होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, एंड ऑल्सो DIs की होल्डिंग भी लगातार इंक्रीज हो रही है। तो कंपनी कैपेक्स कर रही है, जो इनकी कार्बन ब्लैक कैपेसिटी है उसको मोर देन डबल कर रही है। तो हिमाद्री स्पेशलिटी जो है ये लिथियम आयन बैटरीज के लिए मटेरियल्स बनाती है, लेकिन कंपनी का जो वैल्यूएशन है अभी भी काफी आपको महंगा देखने को मिलेगा, 57 के पीई पे स्टॉक है। तो लगातार जो स्टॉक ऊपर जा रहा था मार्केट के फॉल में, इसके स्टॉक में भी आप देखोगे तो एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है फिनग्रेड, जहां पे बड़े बड़े एंड एक्सपीरियंस जो ट्रेडर्स हैं उनके बनाए हुए हाई क्वालिटी कोर्सेज आपको मिलते हैं, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे टॉप में एक सेक्शन है कोर्सेज का,
इसमें फ्री कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चार ऐसे कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें कैंडलस्टिक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, कंप्लीट ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स इन इंडिया फॉर बिगिनर्स, टेक्निकल चार्ट्स एंड ट्रेंड लाइंस फॉर बिगिनर्स। एंड इनके जो व्यूज आप देख सकते हो 12.4,000 व्यूज, 11.6,000 व्यूज, 4,000 व्यूज, 2.3,000 व्यूज। इसमें जो रेटिंग्स दी गई है आप देख सकते हो 5 स्टार तक रेटिंग्स दी गई है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आना है। तो इसमें सिर्फ आपको करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू विद गूगल, एंड आप अपने किसी भी गूगल अकाउंट के थ्रू इसमें एक सेकंड के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप किसी भी फ्री कोर्स को इस तरह से एक्सेस करके उसको देख सकते हो, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ। एंड चैप्टर वाइज कंटेंट भी यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनके जो सब्सक्रिप्शन है उनको भी ले सकते हो। अब चलिए वीडियो में वापस आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। केमिकल सेक्टर की एक और कंपनी है गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड। तो इसके बिजनेस में भी अब हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो 53 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होके 121 करोड़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑल्सो जो कंपनी के मार्जिन हैं वो भी यहाँ पे एक्सपैंड हुए हैं। तो इसके स्टॉक प्राइस में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली थी, जो पहले इसमें रेजिस्टेंस लेवल्स थे उनका ब्रेकआउट होने के बाद अभी उनके ऊपर स्टॉक जो है वो सस्टेन करता हुआ दिख रहा है हमें। ऑल्सो अगर हम बात करें तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड की, तो तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड के जो रिजल्ट्स आए हैं एक्सीलेंट रिजल्ट्स आए थे, जहाँ पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 396 करोड़ से इंक्रीज होकर 2,811 करोड़ हुआ है। एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी ने 13 करोड़ का लॉस किया था, जो कि अभी 275 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि तेजस नेटवर्क्स का जो स्टॉक है उसमें कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक इस कंसोलिडेशन में हमें इस कंपनी को जरूर स्टडी करना चाहिए। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में बात करें, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है, तो इसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। 307 करोड़ से जो रेवेन्यू है इंक्रीज होके 524 करोड़ हुआ है। ऑल्सो जो मार्जिनस हैं वो भी यहाँ पे एक्सपैंड हुए हैं इनके। जो नेट प्रॉफिट है 19 करोड़ से इंक्रीज होके 48 करोड़ हुआ है। इसके अलावा जो ऑर्डर्स हैं वो लगातार हर साल कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, एंड जो ऑर्डर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं इनके एवरी ईयर। एंड अभी भी कंपनी के हाथ में 10,503 यूनिट्स के ऑर्डर्स हैं, तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो अभी भी स्ट्रांग है। तो इसके स्टॉक को भी आप यहाँ पे वीकली चार्ट पे देख सकते हो कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, एंड ऊपर के लेवल से एक करेक्शन भी स्टॉक में हुआ है। बात करें ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो कि रिसाइकलिंग सेक्टर में नंबर वन कंपनी है, तो इसके क्वार्टर टू के नंबर्स भी अच्छे आए। 836 करोड़ से रेवेन्यू इंक्रीज होकर 927 करोड़ हुआ है। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ा डिप यहाँ पे जरूर आपको देखने को मिलेगा, एंड जो प्रॉफिट है 59 करोड़ से इंक्रीज होके 72 करोड़ हुआ है। ऑल्सो इस कंपनी में जो FIIs हैं एंड जो DIIs हैं उनकी भी होल्डिंग लगातार इंक्रीज हो रही है। मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ गाइडेंस दी है फ्यूचर के लिए वो 35% प्लस प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की गाइडेंस है। तो मार्केट के इस फॉल में आप ग्रेविटा इंडिया के स्टॉक को भी देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से इसमें भी एक करेक्शन हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट कंपनी है IT सेक्टर से, जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। वेरी गुड कंपनी, एंड यहाँ पे आप चेक करोगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, 2,412 करोड़ से रेवेन्यू इंक्रीज होकर 2,897 करोड़ हुआ है। कंपनी ने अपने मार्जिन्स को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। प्रॉफिट 263 करोड़ से इंक्रीज होकर 325 करोड़ हुआ है। तो लगातार ये कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रही है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है। एंड अभी भी इसके स्टॉक में ज्यादा फॉल आपको होता हुआ नहीं दिखेगा, लगातार हायर हाइज एंड हायर लोस का ट्रेंड ये स्टॉक बना रहा है। तो मुझे लगता है IT सेक्टर में इस कंपनी को भी जरूर आप अपने फोकस में रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है रेलवे सेक्टर से, जिसका नाम है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो वैसे तो ये जो रेलवे सेक्टर है इसमें अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये कंपनी जरूर यहाँ पे आउट परफॉर्म करती हुई दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 805 करोड़ से जो रेवेन्यू है इंक्रीज होके 1,346 करोड़ इसका हुआ है। ऑल्सो इनके मार्जिन्स भी यहाँ पे एक्सपैंड हुए हैं, आप देख सकते हो, पहले जो मार्जिन्स थे वो सिंगल डिजिट्स में थे, अभी वो 10% के आसपास। प्रॉफिट 25 करोड़ से इंक्रीज होके 74 करोड़ हुआ है, तो ऑलमोस्ट 3 गुना यहाँ पे प्रॉफिट जंप होता हुआ दिख रहा है इनका। तो इसके स्टॉक में भी एक सीवियर फॉल हमें देखने को मिला था, बट नीचे के लेवल से एक रिकवरी जरूर इस स्टॉक में हमें देखने को मिली है रिसेंटली। एक कंपनी है जिसका नाम है शांति गेयर्स लिमिटेड, जो कि गेयर्स एंड गेयर बॉक्सेस बनाती है।
तो इसमें भी आप देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हुआ है, ऑल्सो मार्जिन भी इंक्रीज हुए हैं एंड प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सो वीकली चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक लगातार हायर हाइज हायर लोज बना रहा था, लगातार बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा था, बट अभी अगर हम देखें तो थोड़ा सा स्टॉक में एक फॉल होता हुआ दिख रहा है। एक कंपनी है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है, तो इसके भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। जो रेवेन्यू है 864 करोड़ से इंक्रीज होके 924 करोड़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड प्रॉफिट 47 करोड़ से इंक्रीज होके 53 करोड़ हुआ है। ऑल्सो अभी जो वैल्यूएशन है वो भी यहाँ पे इंडस्ट्री के आसपास देखने को मिल रहा है, 32 का पीई है इसका एंड इस कंपनी में लगातार जो FIIs की एंड DIIs की होल्डिंग है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसमें भी आप देखोगे कि ऊपर के लेवल से एक अच्छा खासा करेक्शन रिसेंटली हुआ है। बात करें जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड की, तो पावर सेक्टर की थीम को प्ले करने के लिए एंड जो स्मार्ट मीटर की थीम है उसको प्ले करने के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो इस कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 259 करोड़ से रेवेन्यू इंक्रीज होके 487 करोड़ हुआ है। ऑल्सो कंपनी के मार्जिन्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, पिछले क्वार्टर में 15% थे तो अभी वो इंक्रीज होके 17% हुए हैं एंड कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छा जंप है, 49 करोड़ से इंक्रीज होके 83 करोड़ आया इनका प्रॉफिट। तो इसके स्टॉक में भी ऊपर के लेवल से एक करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो रिसेंटली हमने इस चैनल पे कुछ न्यू थीम्स के बारे में बात करी थी, जिसमें इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज का जो एक थीम है उसके बारे में बात करी थी। तो अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड ये उसी सेक्टर में काम करती है कंपनी, तो कंपनी के रिजल्ट इंप्रेसिव देखने को मिल रहे हैं, 600 करोड़ से रेवेन्यू इंक्रीज होके 680 करोड़ हुआ है, 6% के मार्जिन कंपनी अभी मेंटेन कर रही है एंड जो प्रॉफिट है 9 करोड़ से इंक्रीज होके 28 करोड़ हुआ है। तो प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप है जिस वजह से यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इसका गिरा है 28 के आसपास है। तो यही रीजन है आप इसके स्टॉक को अगर देखोगे तो स्टॉक में मार्केट के अपोजिट हमें यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है, स्टॉक में तेजी हमें देखने को मिली है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो 25 करोड़ से इंक्रीज होके इनका जो रेवेन्यू है 112 करोड़ हुआ, देन अभी क्वार्टर टू में 144 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया है। ऑल्सो कंपनी के मार्जिन भी यहाँ पे काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं एंड वो एक्सपैंड हो रहे हैं। सो लास्ट ईयर 4 करोड़ का लॉस था तो वो अभी यहाँ पे 42 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है एंड इसी वजह से अगर हम अभी देखें तो यहाँ पे स्टॉक में जबरदस्त तेजी भी बनी हुई है एंड यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम्स भी स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है, तो इस कंपनी पे भी आप फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है केमिकल सेक्टर से जिसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो कंपनी के रिजल्ट्स काफी अच्छा है जिसमें आप यहाँ पे देखोगे 2424 करोड़ का रेवेन्यू इंक्रीज होके 2747 करोड़ हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड 63 करोड़ का जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर वो इंक्रीज होके 214 करोड़ हुआ है। कंपनी का वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव दिख रहा है, इंडस्ट्री के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 23 के पीई रेशो पे एंड दीपक फर्टिलाइजर का स्टॉक भी आप देखोगे मार्केट के अगेंस्ट में यहाँ पे मूव कर रहा है, तो स्टॉक में यहाँ पे तेजी हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कंपनी है जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये कंपनी जियो स्पेशल मैपिंग में काम करती है एंड इस थीम के बारे में रिसेंटली हमने एक वीडियो में डिटेल में बात भी की थी। सो लास्ट ईयर 33 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि इंक्रीज होके 72 करोड़ हुआ है एंड लास्ट ईयर लॉस था 3 करोड़ का जो कि यहाँ पे अभी 11 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है एंड वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी है पावर सेक्टर से सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड। तो ये कंपनी ईवी चार्जर्स में काम कर रही है, तो 67 करोड़ का रेवेन्यू था इनका लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, वो इंक्रीज होके 182 करोड़ हुआ है। सो ऑलमोस्ट 3 गुना यहाँ पे रेवेन्यू में जंप है, 10% के मार्जिन देखने को मिल रहे हैं एंड जो प्रॉफिट है वो 3 करोड़ से इंक्रीज होके 11 करोड़ हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम टाइप बनाया है एंड जो प्रीवियस हाई लेवल्स थे उनके आसपास स्टॉक जो है अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कंपनी है दी अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड एंड इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड यहाँ पे आप तो रिजल्ट्स कंपनी के 140 करोड़ से 188 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है एंड प्रॉफिट इंक्रीज होके 22 करोड़ से 32 करोड़ हुआ है। तो इसके स्टॉक में अगर हम देखें लगातार दोस्तों अभी भी एक तेजी बनी हुई है, मार्केट के फॉल का इस स्टॉक पे कोई भी इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है,
नेक्स्ट कंपनी शिलचार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो लास्ट ईयर 106 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इंक्रीज होकर 131 करोड़ हुआ है। ऑल्सो कंपनी के मार्जिन भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। प्रॉफिट 24 करोड़ से इंक्रीज होके 33 करोड़ हुआ है। एंड इसके स्टॉक प्राइस में भी दोस्तों हम अभी भी देखें मार्केट के फॉल में, लगातार जो है इसका स्टॉक जो है ऊपर की तरफ ही जा रहा है। सो लास्ट कंपनी है हमारे लिस्ट में जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो रिसेंटली ही इसके क्वार्टर टू के नंबर्स आए हैं एंड नंबर्स एक्सप्लोसिव आए हैं। 66 करोड़ से रेवेन्यू इंक्रीज होके 242 करोड़ हुआ है एंड प्रॉफिट 14 करोड़ से इंक्रीज होके 63 करोड़ हुआ है। एंड कंपनी में FIIs की एंड DIIs की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है एंड पब्लिक की होल्डिंग रिड्यूस हो रही है। सो वीकली चार्ट पे यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि इसका स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। सो जितनी भी कंपनीज हमने डिस्कस करी हैं क्वार्टर टू के नंबर्स अच्छे हैं, तो हमें इनके बिजनेस को जरूर स्टडी करना चाहिए। ऑल्सो इनमें से कौन सी कंपनी आपको ज्यादा अच्छी लगती है उसको कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। एंड अगर आपने इनमें से किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।